वेलकम टू किचन विद ऐना। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में पाव भाजी। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम जो इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हमें कुछ वेजेस को बॉईल करना पड़ेगा। उसे बॉईल करने के लिए हम नमक, हल्दी और पानी यूज़ करेंगे, थोड़ा सा अदरक यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम आपको इंग्रेडिएंट दिखा देते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए हमें लिया है 100 ग्राम गोभी का फूल, कॉलीफ्लावर, 2 पोटैटो और 2 आलू हमने पीसेस करके लिए हैं ये। इसे बॉईल करने के लिए हमने थोड़ा सा नमक लिया है एंड 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। सबसे पहले हमें इसे बॉईल करना होगा। इसे बॉईल करने के लिए हम कुकर लेंगे, उसमें बॉईल करने के लिए रख देंगे ये। कॉलीफ्लावर और पोटैटो में बॉईल करने के लिए रख देंगे। गोभी और 100 ग्राम गोभी फूल लिया था हमने और 2 आलू पीसेस करके लिए थे। इसे सबसे पहले हम बॉईल करेंगे पाव भाजी बनाने के लिए। बॉईल करने के लिए हमने थोड़ा सा नमक लिया ये और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया। इसे ऐड कर देंगे हम कुकर में। गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे हम बॉईल करने के लिए यूज़ करेंगे। बाद में भाजी बनाने के लिए दोबारा अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करना है, हम आपको बाद में दिखाते हैं। इसे बॉईल करने के लिए हम 2 कप वाटर ऐड कर देंगे। बॉईल करने के लिए रखते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुछ वेजेस को बॉईल करने के लिए रख दिया है। बॉईल करने के लिए हमने 2 आलू और 100 ग्राम गोभी का फूल और कॉलीफ्लावर और 1 बॉल मटर इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसमें हमने नमक, थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए, और थोड़ा सा नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 2 कप मोटर डाला है। अब इसे लीड कवर करके हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा फिर हम अपनी भाजी बनाना स्टार्ट करेंगे। एक विसल आने के बाद 5 मिनट इसको बॉईल करना है। भाजी बनाने के लिए हमने पहले इस गोभी, आलू और मटर को बॉईल करके रख लिया है, उसे मैश भी कर दिया है। इसे बनाने के लिए अब हम लेंगे क्रश के हुए 5 से 6 लहसुन क्रश करके रखे हमने, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 सूखी हुई लाल मिर्च को थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया हमने, और पाव भाजी मसाला लिया है 2 टेबल स्पून एंड 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, और 2 ऑनियन को चॉप करके रखा है, 9 ऑनियन को चॉप करके रखा है और 2 टमाटोज को चॉप करके रखा है, और ये 1 कैप्सिकम और 1 शिमला मिर्च को चॉप करके रखा है बारीक, और थोड़ी सी कोरिएंडर है और लेमन है गार्निशिंग के लिए। अब स्टार्ट करते हैं बनाना। बनाने के लिए हमने पैन ले लिया है, उसमें हमने 1 टेबल स्पून तेल और 3 टेबल स्पून बटर डाल दिया है। इसके मेल्ट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले
क्रश किया हुआ लहसुन और ज़ीरा। गैस की फ्लेम को हाई रखा हमने। देंगे दो प्याज जिसे हमने चॉप करके रखा है, इसमें से थोड़ी सी प्याज रख लेंगे एंड में डालने के लिए। थोड़ी सी प्याज एंड में डालेंगे, इसमें से थोड़ी सी प्याज हमें रख लिए, इसे हम एंड में ऐड करेंगे। इस प्याज को पकाना नहीं है आपने, ट्रांसलूसेंट करना है एक मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को हाई रखा है, इसमें मैं ऐड करेंगी टोमेटो, टू टोमेटोस और टू टमाटर को हमने चॉप करके लिया, इसमें मैं ऐड कर देंगे। पका लिया है हाई फ्लेम पर, अब इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, हमने इसे चॉप करके रखा है एक कैप्सिकम को, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी दो तीन मिनट, एक दो मिनट पका लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे नमक, सॉल्ट की टेस्ट ऐड कर देंगे इसमें। गैस की फ्लेम को हाई रखा है, इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इनके साथ इसे दो से तीन मिनट पका लेंगे। दो से तीन मिनट पकाने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम कश्मीरी लाल, सूखी हुई कश्मीरी लाल मिर्च को हमने पानी डाल के और पेस्ट में हम दिया, इसमें ऐड करेंगे। मसाला दो टीस्पून लिया, टू टेबल स्पून लिया और एक टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया। इसमें ऐड कर देंगे, इसे मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पर सबको मिक्स करके लेंगे। इसे चम्मच से मैश भी करते जाएंगे। ऐड कर देंगे थोड़ी सी कटी हुई कोथमीर और कॉरिएंडर, इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे, इसमें पाव नीचे निचोड़ के रख लेंगे।
चलते जाना। इसमें ऐड कर देंगे हम बॉइल्ड वेजेस, जो वो वेजेस हमने बॉईल कर दिए थे वो अब इसमें ऐड कर देंगे इस पॉइंट पे। इन सबको मिक्स कर देना है। गैस की फ्लेम को फुल ही रखे हमने। जिसको हमने पहले ही मैश कर दिया था बॉईल करने के बाद, पकाते वक्त भी मैशर से मैश कर सकते हैं इसे, नहीं तो फिर स्पून से भी मैश हो सकता है। गैस की फ्लेम को हाई रखना है, इसे मैश करते हुए पकाते हुए। गैस की फ्लेम को अब हमने सिम कर दिया है, लो कर दिया है। इसे लो फ्लेम पे अब हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे। इसमें टेस्ट कर लीजिएगा फिर नमक और मिर्च वगैरह बराबर है। अगर कम हो तो आप अपने हिसाब से नमक और लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं, नमक कम हो तो और नमक इसमें ऐड कर दीजिएगा। और बटर की क्वान्टिटी भी आपको ज़्यादा चाहिए तो उसमें इस पॉइंट पर बटर भी ऐड करके 5 से 7 मिनट पर लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दीजिए। 5 से 7 मिनट इसको पकते हुए हो चुके हैं, अब ये रेडी हो चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। अब ये रेडी हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया और कॉरिएंडर ऐड कर देंगे ऊपर से। अब ये रेडी हो चुके हैं। अभी हम पाव को बटर लगाने जाएंगे। फ्राइंग पैन रख दिया, इसमें हमने बटर डाल दिया। अब हमने पाव को फ्राइंग पैन पे बटर डाल के बटर लगा दिया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब ये पाव भाजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है खाने के लिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि कैसी बनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।